कि एनसी हैज इलेक्टेड उमर साहब एज द लेजिस्लेटिव लीडर एंड द चीफ मिनिस्टर, सो वी कॉन्ग्रेचुलेट देम, मैं उनको मुबारकबाद करती हूँ। और हमने देखा एनसी की 70s के बाद, राइट, 1979 इलेक्शन में इतनी भारी अक्सरियत से उनकी सरकार बनी। तो मेरा उमर साहब से सवाल है कि आपकी इतनी जो भारी अक्सरियत आई है, क्या वो गुंडागर्दी करने के लिए आई है, तबाही मचाने के लिए आई है? 3 दिन से मुझे लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो हमारे बिजबिहाड़ा में वर्कर्स हैं, वो खिरम में हो, दक्षिणीपुरा में हो, वागामा में हो, और आप यकीन नहीं करेंगे जो वहां के इलेक्टेड एमएलए हैं वो कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। हमारे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, उनके घर की जो दीवारें हैं उनको पत्थर से तोड़ा जा रहा है, जो उनका लाइफ स्टॉक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपने ट्विटर पे भी देखा होगा, एक काउ शेड है वागामा में, वहां पे आग लगाई है। अच्छा, जो इनकी बकरियां हैं, गाय हैं, उनको चुराया जा रहा है। जब नमाज हो रही है, अजान हो रही है, तो तब ये पटाखे छोड़ रहे हैं। चलिए, आपको हमें गाली गलौज देना है, महबूबा जी मुझे सड़कों पे गाली गलौज कर रहे हैं, बिजबिहाड़ा के एनसी वर्कर्स, हमें गालियां दीजिए, मगर आप मेरे वर्कर को छुएंगे नहीं। अगर आपने मेरे वर्कर को हाथ भी लगाया तो सीधे आपकी तहकीकात होगी, एंड वील मेक श्योर कि आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉज हो। एंड ये एनसी बिजबिहाड़ा में ही नहीं कर रही है, ये कुलगाम में सीपीआईएम भी कर रही है, दूसरी जमात भी कर रही है, एनसी यही चीज डीएचपोरा में कर रही है। जो हमारे गुलजार डार साहब हैं, जिन्हें हाल ही में इलेक्शन हारा, उनने मुझे फोटोज भेजी अपनी वर्कर्स की। एनसी वही कर रही है जो 30 साल पहले 40 साल पहले वो करती थी। कुछ एफआईआर रजिस्टर भी हुई है, और मैं एनसी के वर्कर्स को वार्न करती हूँ कि वो ये गुंडागर्दी बंद करें, चाहे वो कुलगाम में हो जहाँ जमात के वर्कर्स की पिटाई की जा रही है, जमात वालों के घर के शीशे तोड़े जा रहे हैं सीपीआईएम एनसी वर्कर्स कर रहे हैं, और डीएचपोरा में जहाँ फिर से एनसी ये गुंडागर्दी का माहौल कर रही है। लोगों ने आपको भारी अक्सरियत से जरूर लाया हो, लेकिन आप गुंडागर्दी बंद करिए, अदरवाइज वी विल टेक यू टू टास्क, आई विल टेक यू टू टास्क। कि एनसी हैज इलेक्टेड उमर साहब एज द लेजिस्लेटिव लीडर एंड द चीफ मिनिस्टर, सो वी कॉन्ग्रेचुलेट देम, मैं उनको मुबारकबाद करती हूँ। और हमने देखा एनसी की 70s के बाद, राइट, 1979 इलेक्शन में इतनी भारी अक्सरियत से उनकी सरकार बनी। तो मेरा उमर साहब से सवाल है कि आपकी इतनी जो भारी अक्सरियत आई है, क्या वो गुंडागर्दी करने के लिए आई है, तबाही मचाने के लिए आई है? 3 दिन से मुझे लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो हमारे बिजबिहाड़ा में वर्कर्स हैं, वो खिरम में हो, दक्षिणीपुरा में हो, वागामा में हो, और आप यकीन नहीं करेंगे जो वहां के इलेक्टेड एमएलए हैं वो कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। हमारे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, उनके घर की जो दीवारें हैं उनको पत्थर से तोड़ा जा रहा है, जो उनका लाइफ स्टॉक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपने ट्विटर पे भी देखा होगा, एक काउ शेड है वागामा में, वहां पे आग लगाई है। अच्छा, जो इनकी बकरियां हैं, गाय हैं, उनको चुराया जा रहा है। जब नमाज हो रही है, अजान हो रही है, तो तब ये पटाखे छोड़ रहे हैं। चलिए, आपको हमें गाली गलौज देना है, महबूबा जी मुझे सड़कों पे गाली गलौज कर रहे हैं, बिजबिहाड़ा के एनसी वर्कर्स, हमें गालियां दीजिए, मगर आप मेरे वर्कर को छुएंगे नहीं। अगर आपने मेरे वर्कर को हाथ भी लगाया तो सीधे आपकी तहकीकात होगी, एंड वील मेक श्योर कि आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉज हो। एंड ये एनसी बिजबिहाड़ा में ही नहीं कर रही है, ये कुलगाम में सीपीआईएम भी कर रही है, दूसरी जमात भी कर रही है, एनसी यही चीज डीएचपोरा में कर रही है। जो हमारे गुलजार डार साहब हैं, जिन्हें हाल ही में इलेक्शन हारा, उनने मुझे फोटोज भेजी अपनी वर्कर्स की। एनसी वही कर रही है जो 30 साल पहले 40 साल पहले वो करती थी। कुछ एफआईआर रजिस्टर भी हुई है, और मैं एनसी के वर्कर्स को वार्न करती हूँ कि वो ये गुंडागर्दी बंद करें, चाहे वो कुलगाम में हो जहाँ जमात के वर्कर्स की पिटाई की जा रही है, जमात वालों के घर के शीशे तोड़े जा रहे हैं सीपीआईएम एनसी वर्कर्स कर रहे हैं, और डीएचपोरा में जहाँ फिर से एनसी ये गुंडागर्दी का माहौल कर रही है। लोगों ने आपको भारी अक्सरियत से जरूर लाया हो, लेकिन आप गुंडागर्दी बंद करिए, अदरवाइज वी विल टेक यू टू टास्क, आई विल टेक यू टू टास्क। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।